मैं अपने घर की रिच लोडेड लेडीज के साथ हूँ, तो आज मैं कुछ भी खरीद सकता हूँ, है ना फाइनेंसर। अब आप लोगों को पता चल गया होगा हम इस लड़की को हर इंटरनेशनल ट्रिप पे क्यों लेके साथ जाते हैं, क्योंकि एक अच्छा इंसान चाहिए होता है बैग्स उठाने के लिए। गाइस, अगर शॉपिंग आपकी प्रायोरिटी है और आपको बड़े ब्रांड्स पे नहीं पता कहाँ डिस्काउंट मिलेगा, तो ये वीडियो आपके लिए है। और जहाँ हम आए हैं वहाँ पे सारे बड़े ब्रांड्स इंक्लूडिंग सम लग्जरी ब्रांड्स पे हमेशा डिस्काउंट रहता है, क्योंकि जितने मॉल्स का जब सामान नहीं बिकता सेल में, तो वो सामान इस जगह पे आ जाता है बिकने। तो अगर शॉपिंग आपकी प्रायोरिटी है तो इस वीडियो में बने रहना, और वीडियो के अंत में मैं बताऊंगा कि हम कहाँ आए हुए हैं। तो गाइस, लेकिन जिससे पहले मैं आपको यहाँ पे ब्रांड्स दिखाऊं और हम अपनी शॉपिंग का सिलसिला शुरू करें, क्योंकि भूख से मेरा बहुत गहरा रिश्ता है, मेरे को पहले पेट पूजा करनी है। बट एक आइडिया देने के लिए आप ये देख सकते हो, कुछ नॉन ब्रांड्स हैं, लकोस्ट है, मैंगो है, नीचे नाइकी का कोई इवेंट होने वाला है, सानू की टिम्बरलैंड है, वैंस है, ली कूपर है। तो ये जितने ब्रांड्स आपको दिख रहे हैं ना, यहाँ पे सब पे अप टू 70% ऑफ मिलेगा, और मिनिमम 30% तो आपको हर स्टोर पे मिलेगा। यहाँ पे ली कूपर पे अप टू 80% चल रहा है। ये हर उस इंसान के लिए जो रिटेल थेरेपी से अपने मन को शांत करना चाहता है, उसके लिए हेवन है। तो गाइस, ये फूड मैप में चेक कर रही है और देख रही है कि हमें क्या खाना है, बट इसके बाद मैं एक बार वन चीज़ डन सेलेक्टिंग द रेस्टोरेंट फॉर अस, मैं आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पे क्या क्या ब्रांड्स अवेलेबल हैं। गाइस, यहाँ पे ये सारे ब्रांड्स अवेलेबल हैं। तो मैं होप कर रहा हूँ कि मेरे को अंडर आर्मर पे कुछ अच्छी डील्स मिल जाएं, और अगर कोई लग्जरी ब्रांड पे कुछ समझ आ रहा होगा तो वो उठा लूँगा। तो क्योंकि इनका पहला टाइम है थाईलैंड में, इसलिए हमने एक ट्रेडिशनल थाई रेस्टोरेंट चुना है। ये हमारी टेबल कुछ ऐसी लगती है, और इससे ज़्यादा मैं नहीं दिखाऊँगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता आप लोगों को बुरा लगे कि मैं अच्छा खाना खा रहा हूँ और आप नहीं। तो कभी ना कभी आप लोगों के साथ ज़रूर आऊँगा खाना खाने, टिल देन मैं भी लंच के बाद कनेक्ट करूँगा। सो पेट पूजा करके हम इस डायरेक्शन में जा रहे हैं जो कि लग्जरी ब्रांड्स हैं, और मैं अपने घर की रिच लोडेड लेडीज़ के साथ हूँ, तो आज मैं कुछ भी खरीद सकता हूँ, है ना फाइनेंसर। वो पिंक वाली उसकी बात नहीं कर रहे, वो हमारे लिए हम सामान उठाने हैं, मैं इन लेडीज़ की बात कर रहा हूँ, सिंगल लेडीज़ जिन पर मैं हाथ रख के चल रहा हूँ, और वो स्लेव है। हेलो स्लेव, आई हैव गॉट अ वेरी लोडेड फाइनेंसर, वी कैन अफोर्ड यू स्लेव, गुड नाउ बाय मी जर्क्स अपार्ट दैट शी विल। सो यहाँ पे कार्ल लागरफेल्ड है, कैल्विन क्लाइन है, कोच है, बॉस है, पर्ला है, फ्रेड फेरी है। तो अब हम अपनी लग्जरी शॉपिंग शुरू कर रहे हैं। पहले हम यहाँ शॉप करेंगे कि बाकी फुद्दू ब्रांडों में पैसे जल्दी ना ख़त्म हो जाएं। मेरी बहन ऑब्वियसली माइकल कोर्स या मार्क जेकब में ज़रूर जाएगी, या कोच में भी जा सकती है, बिकॉज उसको बैगवतियों का शौक है। बैगवतियाँ यहाँ नहीं मिलती, बट शौक है। Like I said, everything on discount. We are entering Calvin Klein. You can see up to 80% discount throughout the year. See, 1st Jan to 31st December. Guys, यहाँ पे articles पे आप देखो 80%, 80%, 80%, 90%, 80%, 80% ऐसी sale है यहाँ पे। तो अब कोई क्यों normal brands पहनेगा जब आप Calvin Klein जैसे brands 80-90% पे ले सकते हो। मेरा बहुत आर्टिकल्स पे दिल आ रहा है, लेकिन आजकल मैं डाइट शाइट कर रहा हूँ, वर्कआउट कर रहा हूँ, तो मतलब नहीं है कुछ लूँ और वो को फिर विद इन अ मंथ और सो ढीला हो जाए। दिस वन्स फॉर द लेडीज़। हम घुस रहे हैं मार्क जेकब्स, क्योंकि फाइनेंसर और अशर को कुछ लेना है। हाँ जी, कुछ समझ आ रहा है? ये समझ आ रहा है तो तुम खरीदो। कैसे लग रहा है? मज़ा आ रहा है। गाइज, अगर आप देखो तो यहाँ पे भी 40-50% ऑफ पे हैं आर्टिकल्स। 50% ऑफ, फिर वो सारा 40% ऑफ है, आगे 40% ऑफ है,
तो जितनी भी लेडीज़ हैं बैग्स की शकीन कैन ऑलवेज चेक दिस प्लेस आउट. लोकेशन मैं बाद में रिवील करूँगा टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो. तो गाइस अब मैं बैलेंसियागा के स्टोर में आया हूँ और ये जितने जूते हैं ये 16,000 से 24,000 भाट के मिल रहे हैं. इससे ज़्यादा के तो मैं नाइकी ख़रीद लेता हूँ कभी कभी. ऑल्दो आई विल नॉट वेयर बैलेंसियागा शूज़ फॉर टू रीज़न्स. एक, ये बहुत भारी जूते होते हैं और दूसरा मुझे पता नहीं समहाओ थोड़े बदसूरत लगते हैं बैलेंसियागा के जूते. मुझे ये आई डोंट अग्री विद द ब्रांड एंड देयर डिज़ाइंस. बट जो लोग बैलेंसियागा पहनना चाहें वो फॉर एग्ज़ाम्पल ये वाला जो स्नीकर है ये 22,000 भाट का मिल रहा है और इसका वैसे रिटेल 80-85,000 का है, मतलब $1,000 से $1,200 का होता है. मैं आपको बताता हूँ 22,000 भाट कितने होते हैं. $22,000 हुए $51,000. ये वैसे $1,000 से $1,200 का रिटेल करता है. अब हम जिमी चू किस रहे हैं. तो मुझे तो जिमी चू के बारे में कुछ नहीं पता बट एज़ पर माई सिस्टर यहाँ के जिमी चू की कलेक्शन बहुत सैड है. तो एक जो ह्यूगो बॉस का स्टोर है वो बहुत बड़ा है. वहाँ पे जो आर्टिकल्स हैं 70% ऑफ पे हैं और इस तरफ टी शर्ट्स ये जो टी शर्ट्स हैं सारी 30% ऑफ पे हैं. क्या हुआ यार गाइस, यार मैं पतला होके शॉप करूँगा. मैं अभी कुछ नहीं ख़रीदूँगा क्योंकि मैं गारंटीड पतला हो रहा हूँ. मैं एक्सेल से लार्ज में बहुत जल्दी आने वाला हूँ. तो बॉस से मेरे घर वालों ने दो टी शर्ट्स ली हैं अपने लिए और अब हम जा रहे हैं माइकल कोर्स. अगेन फॉर द लेडीज द स्टोर्स फॉर यू. और घुसते ही हमको इसकी ड्रेस वाली मैनेक्विन ने, इसके कलर की ड्रेस वाली मैनेक्विन ने हमको हमारा स्वागत किया. ये सारे बाय द वे 40% ऑफ पे हैं जो दिख रहे हैं. ये भी 40% है, ये भी 40% है, वो सब भी 40% है. गाइज आई जस्ट रियलाइज पूरा स्टोर 40% ऑफ पे चल रहा है. मतलब जितने बैग्स आपको दिख रहे हैं इधर उधर सब कुछ 40% पे है. गाइज माइकल कॉर्स के खूबसूरत स्नीकर्स भी हैं फॉर ऑल द लेडीज और ऑलमोस्ट सब कुछ 50% ऑफ पे है. ऑल स्नीकर्स. अच्छा ये वाला सेक्शन 40% है, वो 50% है. एंड लेट्स गो बैक टू चेकिंग ऑन माय फैमिली. यहाँ भी कुछ ख़रीदारी कर रहे हैं, उनको मिल गया. गाइस घड़ियाँ भी ऑलमोस्ट 30% पे हैं सारी घड़ियाँ. यार इन शॉर्ट आप माइकल कोर्स के स्टोर आ जाना 30% ऑनवर्ड. सारे बैग 40% पे हैं, कुछ आर्टिकल्स 50% पे भी हैं. अब मैं स्टोर और नहीं दिखाऊँगा. ऑल्दो मैंने बोला था माइकल कोर्स और नहीं दिखाऊंगा लेकिन मुझे पता ही नहीं था कि यहाँ पे ना माइकल कोर्स का मेन सेक्शन भी है. तो ये माइकल कोर्स का मेन सेक्शन है और यहाँ पे भी सब कुछ 40% पे है इंक्लूडिंग वॉलेट्स. बट मुझे अपना वॉलेट बहुत पसंद है. टी शर्ट आई माइट बाय दिस माइट. तो फाइनली मेरे परिवार वालों की शॉपिंग ख़त्म हो गई. हाँ भाई क्या क्या लिया आप लोगों ने. बैग्स प्लूरल कितने. फैमिली वालों के लिए सबके लिए बैग्स. तो मेरी बहन का शौक पूरा नहीं हुआ बैग माइकल कॉर्ड से लेके. इसकी टांगे इसको कोच ले जा रही है बैग लेने. एंड अगेन दिस वन्स फॉर द लेडीज. Everything that you see over there, everything. अब मैं एक एक आइटम के पास नहीं जाऊँगा. Everything that you see over there, everything is on 30% off. 30% off, everything. तो guys, मेरे परिवार वाले तो बैग्स के स्टोर में टाइम लगाते हैं. मैं कोच से बाहर आ गया हूँ. मैं बाहर बैठ के वेट करूँगा उनकी. जब उनका हो जाएगा कोच से और वो जब नेक्स्ट स्टोर में जा रहे होंगे मैं आपको फिर दिखाऊंगा कि हम कौन से स्टोर में जा रहे हैं. क्योंकि मेरे मतलब की शॉपिंग या नाइकी में हो सकती है थोड़ी बहुत या अंडर आर्मर पे हो सकती है. कपड़े मैं लेना नहीं चाहता क्योंकि मैं डेफिनेटली श्योर हूँ कि भाई पतला होगा तुम्हारा और भाई लार्ज पहनेगा और भगवान ने चाहा तो मीडियम भी पहनेगा. बट फिलहाल भाई इधर बैठने लगा क्योंकि मैं थक रहा हूँ. मतलब मेंटल थकान हो रही है मुझे, बोरियत हो रही है यार. बैग्स कितने बैग्स देखेगा यार एक इंसान. तो अब मैं अपने परिवार के पीछे पीछे कार लागरफेल्ड में घुस रहा हूँ और तलाश अभी भी जारी है बैगों की.
जबकि वो लड़की ले चुकी है दो तीन, लेकिन मैं कुछ बोलूँगा तो लड़ाई हो जाएगी इस बात पे, तो मैं कुछ बोलूँगा नहीं। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो 40% ऑफ। तो बेसिकली अब मैं बार बार कितने परसेंट ऑफ है नहीं बताऊँगा, क्योंकि आप लोगों को समझ आ गया होगा कि यहाँ पे सब कुछ ही डिस्काउंटेड है। तो कॉल लागरफेल्ड पे मुझे एक वो अपने लिए समझ आई है, तो आई थिंक आई एम गोना बाय दैट। तो एक मुझे लैकोस्ट पे टी शर्ट पसंद आई है, पता नहीं मुझे बहुत ज़्यादा बड़ी लग रही है, तो वो टी शर्ट ले ली मैंने जो मैंने दिखाई थी, वो 50% ऑफ पे थी। और अब आप लोगों को पता चल गया होगा हम इस लड़की को हर इंटरनेशनल ट्रिप पे क्यों लेके साथ जाते हैं, क्योंकि एक अच्छा इंसान चाहिए होता है बैग्स उठाने के लिए। बहुत मैसेज तो बैग हो। हाँ, बैग उठाने वाले को बैग खरीदने की प्रिविलेज होती है। अभी हमारी शॉपिंग ख़त्म नहीं हुई है, ना ये व्लॉग ख़त्म हुआ है, तो बने रहना। गाइस एक बात तो तय, यहाँ पे ना पूरा दिन चाहिए। मेरी थ्रेशोल्ड आ गई मेरे परिवार के साथ शॉपिंग कराने में, मैंगो घुसे थे वो आधे घंटे पहले, अब मैं उन्हें छोड़ के आ गया हूँ और अब मैं थोड़ा सा अपने हिसाब से अपनी शॉपिंग करना चाहता हूँ। मैं देखना चाहता हूँ अगर मुझे कोई मेरे मतलब के जूते मिल जाएँ या कुछ स्पोर्ट्स वेयर मिल जाए मेरे मतलब का। तो गाइस मेरे पीछे ये रेव रनर करके स्टोर है, दे आर सेलिंग ओनली रनिंग शूज, मल्टी ब्रांडेड रनिंग शूज एंड रनिंग अपैरल। तो अपने को भागने का कोई शौक़ नहीं है ना, अपन भाग सकते हैं, वहाँ टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। बट यहाँ बेवरली हिल्स पोलो क्लब पे भी 50% ऑफ है सब कुछ पे, ठीक है। आई वांट टू चेक आउट दिस आउटलेट, यहाँ पे अपने मतलब का अगर कुछ दिखेगा तो लेंगे। इट्स कॉल्ड एंटा आउटलेट पे, नाइकी एडिडास दिख रहा है मुझे, और उसके अलावा वहाँ पूमा है, अंडर आर्मर है, ये अपने मतलब के स्टोर्स हैं। अब मैं अपनी शॉपिंग यहाँ करूँगा। गाइस मुझे पूमा के ना बाहर से ही वाइब नहीं आ रही, 40-50% पे पूमा चल रहा है, लेकिन इंडिया में ही पूमा 70% तक चला जाता है सेल टाइम में, तो पूमा सेंस नहीं बनाता। लेकिन ये एक ह्यूजास अंडर आर्मर का स्टोर है, अंडर आर्मर पे देखते हैं कुछ अपने मतलब का। तो अंडर आर्मर से मैंने दो टी शर्ट्स लिए हैं, एक रनिंग शूज़ अपने ले लिए हैं, एक रनिंग शूज़ मैंने इसको दिलाए हैं, क्योंकि जूते लेने में जो मज़ा आता है वो तो आता ही है ना। तो गाइस मेरा ना टोटल बिल आया 8,500 बाट के हिसाब से मेरा टोटल बिल बनता है, डबल कर देते हैं 16, रफली 20,000 रुपये खर्चे हैं मैंने। 20,000 में से 20,000 रुपये में एक जूता तो मैंने ऐसा खरीदा है जो इंडिया में 16,000 रुपये का है, एक जूता 14,000 का है, तो मतलब 10,000 रुपये तो सीधे वहाँ बच गए प्लस दो टी शर्ट्स। तो गैस ये जगह का खास बात है, अगर मैं ना बहुत तेज़ी सामान ख़रीदता हूँ, मैं नाइकी से डन हो गया हूँ, अब मैं अंडर आर्मर से डन हो गया, मैं एडिडास जा रहा हूँ, अगले 10 मिनट में 15 मिनट में मैं अपना सामान ले लुवा के बाहर हो जाऊँगा। ऑल दो मुझे खुद के लिए समझ नहीं आ रहा कुछ भी, बट गैस अगर आप यहाँ देखो 3500 भाट के बूस्ट मिल रहे हैं, 3500 भाट मतलब रफली 10,000 रुपये का बूस्ट मिल रहा है जो इंडिया में 18,000 रुपये का है। सो यहाँ पर आने में फ़ायदा तो है ही ना गैस। मैंने जो पर्पल रंग का अल्ट्रा बूस्ट इंडिया से 22,000 रुपये का ख़रीदा था, यहाँ पे 3500 भाट का मिल रहा है, तो मेरे को देख के मूड ख़राब हो गया, मैं बाहर निकल गया हूँ। और वो मेरी बहन आ रही है कहीं से भटकते हुए, और हम जाएंगे नाइकी। नाइकी चलो भी, चलो नाइकी जाते हैं गैस। गैस तो ये लट्टू जैसी कुर्सियाँ दिख रही हैं मुझे, जिसमें वो बालक ऐसे गोल गोल घूम रहा है, और मुझे बैठने का मन भी कर रहा है लेकिन डर भी लग रहा है। लेकिन मेरी बहन कह रही है कि इनकी फिज़िक्स ऐसी है कि मैं गिरूंगा नहीं, मैं कुछ भी हो जाएगा ये घूमेगा नहीं मेरे साथ। तो नहीं घूम रहा गाइस, नहीं घूम रहा, देखो मैंने पैर भी उठा रखे हैं, नहीं घूम रहा, फिज़िक्स सो कूल। तो शायद मेरे लिए ये लास्ट टूर है, और यहाँ मुझे लग रहा है कि खर्चा होने वाला है गाइस, खर्चा ही खर्चा। अरे मेंबर टेस्ट चल रहे हैं, अपन तो नाइकी के सॉलिड वाले मेंबर हैं, तो खर्चा होगा, बट गैस खर्चा गैस असली मज़े नाइकी में है यार। वोडा स्टोर, वोडा नो वीडियो गैस, वीडियो नहीं बना सकता मैं, सॉरी गैस। मैं नाइकी से बाहर आ गया, ऑलमोस्ट पूरे स्टोर पे 40% चल रहा है, उन्होंने मुझे वीडियो बनाने नहीं दिया। और जूते जो हैं बहुत कमाल के हैं, लेकिन रनर फोकस्ड हैं, ना बास्केटबॉल कलेक्शन थी और जॉर्डन और एयरफंस तो थे नहीं, तो मेरे मतलब का कुछ था नहीं नाइकी में। लेकिन अगर आपको भागने का या इन जनरल जिम वेयर का शौक है तो 40% इज़ प्रीटी गुड। एंड अब आई थिंक परिवार का भी डन हो गया, मेरा भी डन हो गया, तो अब हम घर चलेंगे। बाय द वे गाइस हम यहाँ आए थे 2 बजे
7 बजने वाले हैं, 5 घंटे कहाँ चले गए पता भी नहीं चला। तो पूरा दिन मान के आना कि पूरा दिन जाएगा यहाँ पे। तो एक रेस्टोरेंट हमें मिला, वहाँ पे हमने डिनर भी खा लिया। अब ये बेसिकली ये वाली लेन रह गई है देखनी। मैं कहा यार इतनी शॉपिंग कर ली, इतना सब कुछ कर लिया, तो एक ये लेन भी देख लेते हैं और फिर अपन वापस और इस व्लॉग को भी एंड कर देंगे। गैस अच्छा वाला हम घर को जा रहे थे, बट पता नहीं कदम सरोस्की कैसे ले आए। और कुछ कुछ आइटम पे तो यहाँ पे जैसे आप देखो सामने, पास से दिखा देता हूँ, 75% तक ऑफ है। और अभी आशकियाँ उतनी चल नहीं रही हैं ज़िंदगी में कि लड़कियों के लिए कुछ ले लूँ यहाँ से, तो मेरे घर वाले कुछ अपने लिए देख रहे हैं। 75% ऑफ गैस, जिनको सरोस्की का शौक है जल्दी आ जाओ यहाँ पे। तो फाइनली इस जगह को छोड़ के हम जा रहे हैं जहाँ पे हमने शॉपिंग करी। और अब मैं इस जगह का नाम बता देता हूँ आप लोगों को। इस जगह का नाम है श्याम प्रीमियम आउटलेट्स। गूगल करोगे रास्ता आ जाएगा। यहाँ पे सब कुछ अप टू 70-80% ऑफ है, सारे बड़े ब्रांड्स पे आपको डिस्काउंट मिलेगा। मच लव, बाय बाय। गाइज बिफोर आई एंड दिस वीडियो एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना भूल गया मैं, ये वैट रिफंड फॉर्म्स हैं। तो जहाँ भी शॉपिंग करोगे पासपोर्ट साथ लेके जाना, वैट क्लेम फॉर्म वहाँ से भरवा लेना। एयरपोर्ट पे आपको जितने आपने पैसे खर्चे हैं वैट रिफंड मिल जाएगा। अब हम अपना सारा सामान खोल के देखेंगे, क्योंकि हमारी ना गंदी आदत है, हम ट्रायल रूम्स में ट्रायल नहीं करते, हम घर आके चीज़ देखते हैं। तो ये जो आज का व्लॉग है यहाँ ख़त्म है। दिस वॉज जस्ट अबाउट द, कहाँ गए थे बेटे हम, श्याम प्रीमियम आउटलेट्स, एंड सिर्फ वही दिखाना था आपको। मच लव, बाय बाय।